स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभिन्न मुद्दों पर संवाद करते हुए हाल की घटनाओं, विशेषकर बलरामपुर की घटना पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हालात भले ही चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार समय समय पर समीक्षा बैठक कर रही है और स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। जायसवाल ने कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को गंभीरता से ले रही है। चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इन घटनाओं पर नजर रख रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है और जहां तक ऐसे अपराधी और शरारती तत्वों की बात है, प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं को अपने खुद के ही संज्ञान में लेकर ऐसे घटनाओं के प्रति गंभीर हैं और प्रदेश में चाहे कोई कितनों ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे लोगों का आगाह भी करता हूं कि प्रदेश में इस प्रकार के मानसिकता वाले जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, जो इस प्रकार के घटनाओं को सुनियोजित ढंग से करने का मंशा रखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इन सभी घटनाओं के ऊपर नजर रखे हैं। रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता लग चुके हैं और प्रचंड बहुमत से रायपुर दक्षिण को जीतेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश एक बड़ा प्रदेश भी है और कहीं इस प्रकार की घटनाएं, इसको संयोग बस कहें या अपरिहार्य रूप से कहें, घटनाएं तो पहले कई बड़े घटनाएं होते थे और घटना छोटा बड़ा नहीं होता, घटना तो घटना है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार पूरी क्षमता से प्रयास कर रही है। ये आप लोगों की 28 तारीख को शायद सौंप सकते सभी तो लग गए अच्छे लगे। देखो, हर किसी को होता है कि चुनाव लड़े करके, तो अभी तो आयुष वाला कार्यक्रम, उसमें जाओगे ना आप लोग, उसको आप लोग चैनल में नहीं चलाएगा, वहाँ एम्स वाला जो क्या नाम है, अरे वो कोई भवन है ना।